जितने नंबर्स हैं उस पर तो खूब टाइम लगा देंगे, बट दे टेंड टू फॉरगेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर एनालिसिस इन द स्किल्स लेवल एग्जाम. नॉट बिकॉज एग्जाम डिफिकल्ट है, नॉट बिकॉज एग्जाम का पैटर्न डिफिकल्ट है. तो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी जैन, ACCA, एंड इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी आंसरिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि सब ACCA के स्टूडेंट्स पूछते हैं, दैट विच इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ ACCA. एंड जो चार ऑप्शनल पेपर्स हैं उनमें से दो easiest options कौन सी है. So let's address this question in this video. वैसे तो it's a very subjective question, क्योंकि toughest exam कौन सा है. मेरे हिसाब से तो toughest वो है जो कि आपको सबसे ज़्यादा as a subject नापसंद है. अगर नापसंद है subject तो obviously वो आपको tough लगेगा. अगर मुझे numbers अच्छे लगते हैं, अगर मुझे accounting अच्छी लगती है, अगर मुझे डेबिट क्रेडिट समझ में आता है, अगर मुझे रिपोर्टिंग अच्छी लगती है, तो मुझे FR का पेपर ऑटोमेटिकली ईजी लगेगा. अगर मेरा इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेशन में है, तो ऑब्वियसली मुझे टैक्सेशन का पेपर ईजी लगेगा. और सिमिलरली अगर कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगेगा. बट देन अगेन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क दिस क्वेश्चन, एंड आई थॉट कि अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करूँ, सो आई थॉट कि लेट्स रिव्यू द पास परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स फॉर ACCA. और अगर मेजॉरिटी बच्चे ग्लोबल लेवल पे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो डिफ़िकल्ट है पेपर. और अगर मेजॉरिटी बच्चे, मतलब 60-70% बच्चे अगर उस पर्टिकुलर पेपर में ग्लोबल लेवल पे पास हो रहे हैं, तो वो रिलेटिवली ईजी एग्जाम कहलाएगा, है ना. So let's quickly try and decode on the basis of the global pass percentage for all ACCA exams as well as my experience ki kaun sa paper difficult hai, kaun sa paper easy hai. Shuru karte hain pass percentage ka analysis. Agar main overall bataun to overall global pass percentage as a qualification for ACCA is 50-60% globally. अब obviously हर subject का, हर paper का, हर quarter के attempt में pass percentage vary करता है. But upon analyzing the past, past percentage trends, what I have observed is कि हर particular paper का एक trend है. Which means कि अगर मैं 5-10 sittings को भी evaluate करूँगी ना, तो उसी रीजन के आसपास उसका पास परसेंटेज वेरी कर रहा है. तो इफ़ दैट ऑब्वियसली कुड गिव अस अ गुड आइडिया इन टर्म्स ऑफ द पेपर वाइज पास परसेंटेज टू गेट अस एन आइडिया कि हाँ, ये ओवरऑल एग्जाम कितना इजी या कितना डिफिकल्ट है टू पास. अच्छा, अब ये एनालिसिस और नंबर्स जो मैं बोलने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू अटैच अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स which is from ACCA for the pass percentages paper wise. तो वो सभी numbers, सभी percentages, सब कुछ आप खुद भी validate कर सकते हो, ठीक है. अब बात करते हैं सबसे पहले with the first level of the exams, which is obviously the knowledge level exam. Knowledge level का exam कौन करता है? Knowledge level का exam करता है 12th pass का बच्चा. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अभी रिलेटिवली, मतलब दे आर नाइव, बिल्कुल 12th पास के बच्चे की नॉलेज लेवल को मैं एक बिल्कुल बिगिनर लेवल समझूंगी, इसीलिए इस लेवल के एग्जाम्स रिलेटिवली सिंपलर हैं, रिलेटिवली ईजियर हैं. एंड दिस इज सब्सटैंशिएटेड बाय द पास परसेंटेजेस, बिकॉज ग्लोबली अगर मैं ये एग्जाम्स BT MA FA का देखूँ, तो 70-80% इसकी पास परसेंटेज ग्लोबली है, विच मीन्स कि बहुत अच्छी पास परसेंटेज है. तो ज़्यादातर जो आपके नॉलेज लेवल के एग्जाम्स हैं, उनको मैं अगर कैटेगराइज करना है बिटवीन डिफ़िकल्ट एंड ईजी, तो मैं उसको ईजी कैटेगरी में आराम से डाल दूंगी, बिकॉज द पास परसेंटेज इज रिलेटिवली हायर. अब बात करते हैं अप्लाइड स्किल्स लेवल के एग्जाम से. यहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल शुरू होता है.
क्योंकि 12th पास का बच्चा तो हमने सिंपल एग्जाम्स करवा दिए, बच्चे पास भी हो गए, बट अब आप क्या हो, अब आप एक सेमी क्वालिफाइड ACCA हो, आप अप्लाइड स्किल्स लेवल पे आ गए हो. ऑब्वियसली इसका नाम ही लेवल का क्या है, अप्लाइड स्किल्स. तो क्या करना पड़ेगा अप्लाई पास करने के लिए एग्ज़ाम को, ऑब्वियसली आपके आपको अपने स्किल्स को अप्लाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, तभी आप पास हो पाओगे. अगेन अगर हम बात करें ओवरऑल परसेंटेज की, तो जो फर्स्ट पेपर है लॉ का पेपर, उसको भी मैं नॉलेज कैटेगरी में ही काउंट करती हूँ, बिकॉज इट्स अगेन एन ऑन डिमांड एग्ज़ाम, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम, एंड सिमिलरली इसका पास परसेंटेज भी 70-80% है. तो लाइक नॉलेज एग्ज़ाम्स, लॉ का पेपर भी ईजी कैटेगरी में आराम से आ सकता है. बट अब बात करते हैं नॉलेज आपके स्किल्स लेवल की, बाकी 5 पेपर्स की. भाई ये एग्ज़ाम्स तो डेफिनेटली आर गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, योर एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज एज वेल. आप अपने स्किल को कितनी अच्छी तरीके से अप्लाई कर पा रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू बी द रीज़न वाई यू आर एबल टू पास योर एग्ज़ाम और प्रॉबेबली नॉट क्लियर अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम. सबसे पहले लेट्स डीकोड एट द पास परसेंटेजेस 1 by 1 फॉर ऑल द पेपर्स. तो जो PM का एग्ज़ाम है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है, विच इज़ लाइक द कॉस्टिंग एग्ज़ाम, उसका पास परसेंटेज ग्लोबल लेवल पे लास्ट 10 अटेम्प्ट पे इज रेंजिंग फ्रॉम अ परसेंटेज ऑफ 40-45% ओनली. डेफिनेटली अ डिफिकल्ट एग्जाम टू क्लियर, विच मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ 40-45% बच्चे जो ग्लोबल लेवल पे ये एग्जाम देते हैं पास होते हैं. बट एक्चुअल में अगर मैं बताऊँ, ये बच्चे फेल पता है क्यों होते हैं, नॉट बिकॉज एग्जाम डिफिकल्ट है, नॉट बिकॉज एग्जाम का पैटर्न डिफिकल्ट है, बट बिकॉज बच्चे PM के एग्जाम के एग्जाम टेक्निक को नहीं समझ पाते. दे गिव टू मच स्ट्रेस ऑन द नंबर्स में भी, मतलब फटाफट बस कैलकुलेशन कर दो, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की कर दो, जितने नंबर्स हैं उस पर तो खूब टाइम लगा देंगे, बट दे टेंड टू फॉरगेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर एनालिसिस इन द स्किल्स लेवल एग्जाम. अगर आपने सिर्फ नंबर्स कर दिए बट उसके बाद उन नंबर्स को इंटरप्रेट नहीं किया, उनको एनालाइज नहीं किया ACCA के स्किल लेवल के एग्जाम में, दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू पास. तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप PM के एग्जाम को सिर्फ एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मत समझो. इट इज़ अ गुड मिक्स ऑफ योर नंबर्स विथ थ्योरी, मतलब 40-50% थ्योरी इज गोइंग टू गेट टेस्टेड इन योर PM एग्जाम. और अगर आपने थ्योरी को मिस कर दिया, लिंकेजेस विद योर प्रैक्टिकल नंबर्स टू थ्योरी को मिस कर दिया, कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी को मिस कर दिया, तो डेफिनेटली एग्जाम बहुत डिफिकल्ट लगेगा. अगेन आई थिंक इट्स अ जेनरिक स्टेटमेंट दैट आई शुड से कि कोई भी ACCA का एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है. यू जस्ट नीड द राइट प्रिपरेशन, राइट एग्जाम टेक्निक, राइट गाइडेंस टू पास योर ACCA एग्जाम. जो डिफरेंस है ना 45 और 50 या 55 में, दैट इज ओनली द पीपल हु आर डूइंग एंड स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग विद द राइट टेक्निक फॉर द एग्जाम. कभी भी मैंने ACCA के एग्जाम्स को ईजी नहीं बोला है. यस दीज आर डिफिकल्ट एग्जाम्स, एग्जाम्स का रिगर बहुत है, तो पढ़ना डेफिनेटली पड़ेगा. योर मेंटर्स विल बी एबल टू गाइड यू कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है. प्लीज़ फॉलो योर मेंटर्स एडवाइस. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट ACCA के एग्ज़ाम में कि हम हर एक एग्ज़ाम के समझे कि जो रिसोर्सेज हैं, जो टेक्निक है, वो कैसे मुझे फॉलो करनी है. इनफैक्ट मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज दी ACCA रिसोर्सेज. प्लीज़ गो एंड रेफर टू दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल, बिकॉज वो आपको ओवरऑल गाइड करेंगे कि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है. अब बात करते हैं टैक्स के पेपर की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर की. इन तीनों एग्जाम्स के एट द अप्लाइड स्किल्स लेवल अगर मैं ग्लोबल पास परसेंटेजेस को एनालाइज करूं,
सो दे आर रेंजिंग फ्रॉम 50% टू 55% विच इज़ अ गुड पास रेट. बट देन अगेन मैं इन एग्जाम्स को ईजी एग्जाम नहीं करूँगी. चाहे इनका पास परसेंटेज पीएम से बहुत बेटर है, फिर भी एग्जाम टेक्निक, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी परवेसिव फॉर ऑल ACCA एग्जाम्स. बट हाँ, अगर पास और फेल की कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ पास परसेंटेज इवेलुएट करना ही है, तो फिर भी बिकॉज पास परसेंटेज 50-55% है इनका ग्लोबली, तो टैक्स FR और FM को हम फिर भी रिलेटिवली वर्ड यूज कर रही हूँ, रिलेटिवली ईजियर कैटेगरी में डाल सकते हैं. एक और बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है स्किल लेवल पे, AA का, विच इज़ दी ऑडिट पेपर. अब ऑडिट का पास परसेंटेज अगर मैं एनालाइज करूँ, अगेन इज ओनली 40-45% लाइक योर PM एग्जाम. फिर से मैं बोल रही हूँ, सब्जेक्ट नहीं, एग्जाम टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. ACCA के कोई भी एग्जाम में फॉर दैट मैटर, आपकी रट्टाफिकेशन, आपकी रोट लर्निंग, जो जिसे हम बोलते हैं ना इंडिया में कि कॉन्सेप्ट को रट्टे मार लिए, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लर्न कर लिए, सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लर्न कर लिए, और अगर आप पूरा का पूरा भी एग्जाम में लिखाओगे विद मैंशनिंग नंबर्स, तो भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा. क्यों? बिकॉज ACCA के एग्जामिनर को ये चाहिए ही नहीं है. चाहे आप IAS 36 मत लिखो, चाहे आप IAS 16 मत लिखो, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट की सही एप्लीकेशन कर दी एग्जाम में, यू विल गेट फुल मार्क्स. तो प्लीज़, अगेन आई एम रिपीटिंग कि रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन कोई भी ACCA के एग्जाम में नहीं चलेगी. क्या चलेगा? चलेगा आपकी एप्लीकेशन. एप्लीकेशन ऑफ योर की स्किल्स will show conceptual clarity to the examiner. Aur wo kar li, to you will definitely gain marks.